देखिए, अब इसको वीआईपी क्वेश्चन इसलिए समझें कि बहुत यूनिक है, अब तक जिस तरह के क्वेश्चन आए थे और प्रोबेबिलिटी पे इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। देखें हाँ, क्या है कि आपको एक सवाल ये दिया गया है कि दो डाई सामने फेंके तो बताइए उनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर आने का चांस कितना है। देखिए, एक तो होता है सम ऑफ डिजिट्स स्क्वायर। स्क्वायर होता क्या है? स्क्वायर होता है अगर 1 हो, 4 हो, 9 हो, 16 हो, ये नंबर स्क्वायर होते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर, जैसे कि देखें ये होता है 1 और 3 का सम 4 होता है, या 5 और 4 देखो तो इनका सम कितना आ रहा होता है 9, ये स्क्वायर होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट स्क्वायर है। तो भाई पहले बात तो दिमाग सोचो कि क्या होगा, पता है जैसा कि देखो 1, 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 4 और 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है 4। आज मैंने एक मॉडल टेस्ट पेपर के सोल्यूशन की वीडियो डाली है, तो उसमें ये सवाल मैंने कहा था अलग से कराऊंगा क्योंकि जाहिर है लंबा है। दो तो ये हो गए, कौन कौन से 1, 4, 4। आप लोग ज़रा देख के बताएंगे चार्ट के पे कोई और ऐसा है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर हो जिनका प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 का 6 जो डायगोनल है, जो सेम फेसेस है, 6 ही हो गए, 2 ही हो गए, 6 और 2 कितना होता है 8, और टोटल आउटकम कितना होगा 6 का स्क्वायर 36। जब 2.5 8/36 4 के टेबल से काटते हैं 2y 9, दिस इज आंसर। सीधी साधे बात है, चार्ट बनाना है और परमुटेशन कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की प्लेलिस्ट में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसे बनाते हैं 6 का चार्ट। तो खैर, आपको अगर वाकई महारत हासिल करनी है परमुटेशन कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी में तो इसकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। और ये देखें, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये कहाँ आया है जी? कराची यूनिवर्सिटी का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन है।